मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको, ट्वीट और इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर वायरल हो रही है और देश को देखना चाहिए ये पिक्चर और इंस्टाग्राम, जानते किसका है? कंगना रनौत का। मैडम बहुत प्रतिभाशाली हैं और इनकी प्रतिभा तो चाटुकारिता में कुछ हद तक कहीं भी है। इन्होंने एक पिक्चर ली और इंस्टाग्राम पे पिक्चर के साथ लंबे चौड़े नोट में लिखा, मैंने आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुना, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये सब सच साबित हो रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी लोगों के बीच राष्ट्रवाद, भविष्य के लिए आशावाद का ऐसा उत्सव कभी नहीं देखा। शायद यही एक विशाल चेतना है जिसे हम अवतार कहते हैं। अवतार लिखा है उन्होंने। कुरेश भाई, मसला अवतार का है तो मैं यही पूछ रहा हूं ना, अगर वो अवतार हैं जैसे आप लोग बताते हैं, यानी मैडम जो बता रही हैं, तो फिर ये अवतार तो फिर कश्मीर में इतनी कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, अवतार हैं तो रोक लेना चाहिए उनको कि नहीं? वो मेरी पार्टी की नेत्री नहीं है, मैं उनका प्रवक्ता। तो ये है मोदी का कद अंतरराष्ट्रीय पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर। मैडम कह रही है अवतार, मैडम ही नहीं बोलती। मैं आपको 2014 वाला वो याद है बयान, ये देखिए, असल आजादी 2014 में मिली, 2047 में तो हमें भीख मिली थी, मैडम का ही बयान था। अब तो वो कह रहे कि मोदी जी अवतार हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ गुरेश भाई, भगत सिंह का अपमान, चंद्रशेखर का अपमान, सुभाष चंद्र बोस का अपमान, ठीक है आप गांधी को नहीं मानते, गोडसे को मानते हैं, लेकिन ये क्या है ये? देखिए, एक मेरा पर्सनल मत दे रहा हूँ, अभी मैं पार्टी का मत भी नहीं दे रहा, जो मेरा मत है। हो सकता है कि आपको या कोई उत्तेजित हो सुनता, मैं कहता हूँ बार बार ये बात कि कोई चरखा चला चाक काट कर हमको आजादी नहीं मिली, करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया है, तब 1947 में इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो फिर अवतार, गुरेश भाई आप जानते हैं ये बात सिर्फ मैडम नहीं बोल रही, आपके नेता बोलते हैं। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, मैं दिखाता हूँ सबूत के साथ आपको। आपके नेता अगर अवतार बोलते तो उनको रोकना चाहिए ना, ये सब अवतार हैं वो देश के लिए, विष्णु के 11वें अवतार। महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रवक्ता ये देखिए क्या लिखते हैं, भगवान के अवतार हैं पीएम मोदी। अब देखिए महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूतवाद में लिखते हैं कि 11वें अवतार विष्णु के 11, बकायदा ट्वीट्स किए हुए हैं वो, मैं ट्वीट्स दिखा रहा हूँ, 11वें अवतार भगवान विष्णु के। आपके जाने माने बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं मोदी जी राम और योगी जी हनुमान के अवतार। तो गुरेश भाई विष्णु के 11वें अवतार हैं आपके नेता बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि हर व्यक्ति को इस देश में संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यदि कोई मानता है, मैं उनको मैं मोदी जी के विषय में मानता हूँ कि मोदी जी दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नेता है। कि यदि हम बातें आप करें आंकड़ों से, तो 2016 से लेकर वर्ष 2019 के बीच में यदि देखें तो 170 जो सिविलियन से उनकी हत्या की गई, जबकि 2019 से लेकर नहीं, जो आंकड़े आप बता रहे हैं मैं दिखा भी देता हूं साथ के साथ। हाँ, आंकड़े आप कह रहे कम हो रहे, लेकिन 370 हटने से पहले और 370 हटने के बाद 2019-22 426 आतंकी घटनाएं हुई और 2016-19 में 170 नागरिकों की मौत हुई। ये 370 हटने के बाद 2019-22 में 110 नागरिकों की मौत हुई और यहां पर आप देखिए जवान कितने शहीद होते हैं, 370 हटने से पहले, और फिर उसके बाद 2019-22 127 जवान शहीद हुए, आतंकी ढेर हुए 700, जिसका आंकड़े का जिक्र आप करें 370 हटने से पहले, और 370 हटने के बाद 585। मेरा सवाल यह है कि आखिरकार जी कश्मीरी पंडितों का कुल आंकड़ा भी आपके सामने, लेकिन मैं एक बात गुरेश भाई आपसे पूछना चाह रहा था, है ना कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर आपने सियासत की, तो इनको सुरक्षा देने में ये क्या फेलियर नहीं है? आप कह रहे हैं कि आतंकी घटना, आप ही ने तो कहा था 370 हटेगी तो उसके बाद जो है आप देखिएगा आतंकी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब टारगेट किलिंग पूछ के की जा रही है और उन्हीं के नाम पर की जा रही है जिनको आप जिनके सारे आपने वोट हासिल किए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने कश्मीर का पॉलिटिकलाइजेशन बिल्कुल नहीं किया है। यदि आप देखें तो मिलिटेंसी में शहीद होने वाले नागरिक कम हुए हैं, जो मिलिटेंसी में शहीद होने वाले जवान कम हुए हैं, मिलिटेंसी का आंकड़ा कम हुआ है और बाकी भी जो है आप इसे फेलियर नहीं मानते? 2024 में जब हम
चुनाव के लिए वोट डालने जाएंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे कि और कितनी तरक्की करके दिखाई है हमने कश्मीर में, और कश्मीर धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अभी स्थिति ये है, देखिए आप जानते हैं भाई साहब, ये आप रिपोर्ट कार्ड 2024 तक लेकर जाइए, अच्छी बात है, अच्छी बात। हर चीज को चुनाव के पैमाने से अगर गुरेश भाई अगर तोलेंगे तो ठीक नहीं है, और खासतौर पर कश्मीरियत का जिक्र अटल जी को याद करिए, अटल जी को याद करिए, उदाहरण है हमारे सामने, वो कश्मीरी जमहूरियत की बात करते थे, आप हर वक्त वोट की बात करते हैं। अटल जी तो रोज याद करने वाली हस्ती हैं, और आज तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी पुण्यतिथि का दिवस है, कम से कम आज के दिन तो उनकी बातों को आदर्श मानकर चलिए ना। लेकिन लेकिन जब जब हम एक लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र में जीते हैं तो जनता के सामने अपना हिसाब किताब देने का सबसे बड़ा समय कौन सा होता है, वो चुनाव बहुत अच्छी बात कही आपने, कहा जनता के पास हिसाब किताब लेकर जाना चाहिए। तो आज की तारीख में 6514 कश्मीरी पंडित जो घाटी में जिनका जिक्र किया गया वापस कितने लौटे 5 साल में, उसका आंकड़ा है आपके पास? 5 अगस्त 2019 को अमेंडमेंट किया गया 370 में, उसके तुरंत बाद यही कहूंगा बदकिस्मत ही एक रही हमारी कि 2 साल तक उसके तुरंत बाद से लेकर COVID-19 शुरू हुआ, उसके बाद आर्थिक समस्या हुई, अब चीजें धरातल पर ठीक हो रही हैं। गुरेश भाई आप 610 कश्मीरी पंडितों को वापिस ला पाए हैं, सिर्फ 610 कश्मीरी पंडितों को, और फिर उसके बाद उनको उनके 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 ही हाल पर छोड़ दिया आपने। भाई साहब मुझे ये कहने में कुछ गुरेज नहीं है कि छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें होती हैं, ये एक आरंभ हुआ है, और मैं कह रहा हूँ 2024 में जब हम चुनाव के लिए वोट मांगेंगे तो ये ब्यौरा भी रखेंगे कितने पंडितों को वापस हमने वैली में स्थापित किया है। अच्छा तो आप मुझे ये बता दें कि हम नहीं 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 आप ये कौन सा आविष्कार और चमत्कार कर देंगे, 5 अगस्त को आपने 370 हटाया और 6000 नौकरी देने की बात तब की गई थी, 3800 नौकरी की आपने जिक्र किया, 3800 नौकरियां दी आपने, लेकिन 6000 मकान बनाने का जिक्र किया था, आपको मालूम है 1000 मकान ही बना पाए आप, कश्मीरी पंडितों को बसाने का जिक्र किया था आपने, वही आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप ये बताएं कि आप 1 साल के अंदर क्या चाहते, एक साल के अंदर 650 कश्मीरियों को भी वहां सेटल किया, 1000 मकान भी बनाए, आतंकवाद का ग्राफ को भी डाउन किया, 1 साल ही हुआ है, क्योंकि 2 साल तो कोविड के घट चढ़े। 2024 में जब हम चुनाव के लिए वोट डालने जाएंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे कि और कितनी तरक्की करके दिखाई है हमने कश्मीर में।